Hello there, welcome to Self Study. So, today in this video, we are going to discuss some important MCQ question, multiple choice questions of subject history. All includes ancient, medieval and modern. But this is first lecture of history for MCQs. So, ancient part will be going to cover today. So, video will be bilingual. So, let's start then. And please watch video till end. So the first question is, name the kingdom which first used elephants in war. पूछ रहा है कि पहले सबसे पहले जो following kingdoms दिए गए हैं उसमें से किसने वार में elephants का use किया लड़ाई में. कोसला, मगधा, चंपा, अवंती, इसमें से किसने किया. So the correct answer, the correct option is, it is Magad. Okay, so let's discuss some important points related to Magadha Empire. मतलब इस वीडियो में हम लोग कुछ factual concepts को भी cover करते हुए चलेंगे. वीडियो आप लोगों के लिए बहुत important होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना. Okay, so पहली बात हम लोग कर लेंगे अभी जो question पूछा गया है यहाँ पे. देखो एलिफेंट जो है ना सबसे पहले मगध में यूज किए गए थे. प्लूटार्क एक हिस्टोरियन है जिसके अकॉर्डिंग अलेक्जेंडर का इन्वेशन जब हुआ था इंडिया में तब नंदा आर्मी ने 6000 एलिफेंट्स को यूज किया था. तो ये भी मगधा मगध किंगडम से है. ठीक है, और अलेक्जेंडर के हिसाब से अलेक्जेंडर ने यूज किया था. फिर अलेक्जेंडर इसकी वजह से डिस्करेज हो गया था, नंदा से डर गया था वो. उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य थे जिनकी आर्मी में टोटल 9000 एलिफेंट्स थे. 9000 एलिफेंट्स, कुड यू इमेजिन. सो ये जितने भी चार यहाँ पे हैं ये सब महाजनपद हैं. अब हम देख लेते हैं कि महाजनपद कौन कौन से हैं. हमें पता है 16 महाजनपद हैं, काशी, कोसला, अंग, मगध, वाजी, मल्ल, चेदी, और चेती भी कहा जाता है जिसे, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शौरसेनी और शौरसेनी, असक, अवंती, गांधार, कंबोज. 6th सेंचुरी में सिर्फ 4 पावरफुल बाद में बचे महाजनपद. तो पावरफुल महाजनपद कौन से हैं, उनसे किस महाजनपद से रिलेटेड कौन से किंग है ये याद रखना है. ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से. मगधा की बात करें तो इसके इंपॉर्टेंट रूलर है बिंबिसारा और अजातशत्रु. और सेकेंड इज अवंती. अवंती के प्रद्योता है किंग. और सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि प्रद्योता जो है वो किस महाजनपद से रिलेटेड है, तो प्रद्योता ये अवंती से रिलेटेड है. कोसला के किंग थे प्रसेनजीत, वत्स के थे उदयन. ओके, तो हम लोग हमारे इस वीडियो में सारे मतलब सिर्फ अभी एक वीडियो 10 MCQs कहूंगा. मैं आपको बेसिकली इस वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से पढ़ना है. इसके बाद में हम लोग फास्ट रिवाइज करेंगे. ये हमारा फर्स्ट है वीडियो, इसमें हिस्ट्री के MCQs में मल्टीपल क्वेश्चन की सीरीज का ये पहला लेक्चर है. इसलिए तो आपको MCQs किस तरीके से स्टडी करने चाहिए बताने का मेरा मतलब ये है, MCQs इस तरीके से स्टडी करने चाहिए कि जो सिलेबस है जो हमने रीड किया है उसकी मल्टीपल रिविजन्स हो. तो आप लोगों को जब भी आगे से अपनी बुक में MCQs पढ़ोगे, हमारे चैनल पे हम सारे एंशंट से लेके मिडाइवल तक सारे MCQs हम लोग जो है भी सब कवर करेंगे. तो आपको इस तरीके से पहले इस वीडियो लेक्चर में देख लेना है कि MCQs को इस तरीके से कवर किया जाएगा. बाद में आपको खुद MCQs की सेल्फ स्टडी करनी है इसी तरीके से. उसके बाद के जो वीडियोज में मैं डायरेक्ट बनाने वाली हूँ उसमें ज़्यादा इतना एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, वो सब आपको ढूंढना पड़ेगा फैक्ट्स. तो पहले देख लेते हैं चार इसकी बात करेंगे महाजनपद की. तो अंग जो महाजनपद है उनकी कैपिटल थी चंपा. आपको याद रखना है सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि किस महाजनपद की कौन सी कैपिटल थी और उसकी मॉडर्न लोकेशन क्या है और उसमें कुछ फैक्ट उससे रिलेटेड. तो देख लो 16 महाजनपद में से मैंने कुछ यहाँ पे 4 ही लिए हैं बेसिकली जो हमारे MCQ में थे. अंग, अंग की बात करें तो ये इसकी कैपिटल थी चंपा. अभी प्रेजेंट डे में इसकी लोकेशन है मुंगेर एंड भागलपुर. एंड अंग महाजनपद फाइंड्स रेफरेंस इन द महाभारत एंड अथर्ववेदा.
अथर्ववेदा में सीधा सीधा पूछा गया है, ये क्वेश्चन आ चुका है, अथर्ववेदा में किस महाजनपद का मेंशन हमको देखने को मिलता है? तो द आंसर विल बी अंग। ओके, अंग का मेंशन हमें महाजनपद अथर्ववेद में देखने को मिलता है। इट इज सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे बिहार। भागलपुर हमें पता है बिहार में है और वेस्ट बंगाल में है मुंगेर। इट्स कैपिटल वॉज चंपा। चंपा जो है अंग की कैपिटल थी। मगध की बात करें तो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपद है, मगध की कैपिटल थी गिरिव्रजा भी बोलते हैं उसको, राजगिरी भी बोलते हैं, राजगृह। ओके, इसकी मॉडर्न लोकेशन है यूपी, गया एंड पटना। ये यूपी की कैपिटल है, सॉरी बिहार की कैपिटल है पटना, बिहार की कैपिटल है पटना, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, बिहार की कैपिटल है पटना एंड गया भी वहीं पे है। तो इट मगधा फाइंड्स इज मेंशन इन अथर्ववेदा टू। इट वाज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बिहार। लेटर मगध जो है ये सेंटर बन गया था जैनिज्म का। लेकिन हमें ये याद रखना है, याद रखने वाली बात ये है कि पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो राजगृह में हुई थी, बिहार में हुई थी, याद रखना है, ठीक है, राजगृह बिहार में है। कौशला, कौशला की कैपिटल है श्रावस्ती, नॉर्दर्न कुशावती, और ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में आता है। कौशला वॉज लोकेटेड इन मॉडर्न डे अवध ऑफ यूपी एंड द एरिया ऑल्सो इंक्लूड अयोध्या। अयोध्या का नाम इसलिए, देखो अयोध्या इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि रामायण जो है उसकी लोकेशन है अयोध्या, which is a very sacred place according to Ramayana. Kalasoka jo hai ye also included the tribal republican territory of Shakya of Kapilvastu. Kosala mein Kapilvastu ki jo Shakya republics hai wo aate hai. Iske baad hum kyu kar rahe hai, kyunki isi Shakya Kapilvastu se jo hai Gautam Buddha jo hai belong karte the, isliye humne ye yahan pe cover kar liya. Lumbini in Kapilvastu is the birthplace of Gautam Buddha, it should be remember. Na इम्पॉर्टेंट किंग है कौशला के प्रसन्नजीत, ये बुद्धा के कॉन्टेम्प्ररी थे। सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है सीएचएसएल के कि बुद्धा के कॉन्टेम्प्ररी कौन थे, तो आंसर है प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत जो है ये गौतम बुद्धा के कॉन्टेम्प्ररी थे, हमें याद रखना है। अवंती की बात करें तो अवंती की कैपिटल है उज्जैन और महिष्मती जिसे कहा जाता है, ठीक है। अभी प्रेजेंट डे की इसकी लोकेशन है अवंती की, मध्य प्रदेश एंड मालवा। अवंती वॉज इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू द राइज ऑफ बुद्धिज्म। द कैपिटल वॉज लोकेटेड एट उज्जैन, जैसे कि मैंने अभी बताया ये नॉर्दर्न पार्ट है उज्जैन अवंती का, और साउथर्न पार्ट की बात करें तो साउदर्न पार्ट में ये साउथ की तरफ तक एक्सटेंड है महिष्मती। इट वॉज सिचुएटेड अराउंड, मतलब साउथ में उसकी जो है कैपिटल महिष्मती थी और नॉर्थ में उज्जैन। इट वॉज सिचुएटेड अराउंड प्रेजेंट डे मालवा एंड मध्य प्रदेश। और अवंती के इम्पोर्टेंट किंग है प्रद्योता। प्रद्योता के फादर इन लॉ थे उदयन, जो कि किंग थे वत्सास के। ये भी एक महाजनपद है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। प्रतिहार डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट किंग वत्सराज दिया गया है, मिहिर भोजा, दंडी दुर्गा और नागभट्ट टू। सो द करेक्ट आंसर विल बी भोजा। भोज और जिसे हम मिहिर भोज के भी नाम से जानते हैं, राइट, यस, भोज और मिहिर भोज। मिहिर भोज जो है ये एक प्रतिहारा किंग है, प्रतिहारा डायनेस्टी से ये बिलोंग रखते हैं और ये 885 कॉमन ईरा। भोजा वन या इनको कह लीजिए मिहिर भोज कंसीडर किए जाते हैं ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी। और इनका इसलिए क्योंकि नर्मदा रिवर से लेके तो साउथ में, नर्मदा से लेके तो नॉर्थ में सतलज तक इनका पूरा फैला हुआ था और बंगाल तक था ईस्ट में इनका एम्पायर जो था वो, इसीलिए इनको ग्रेटेस्ट किंग कहा जाता है प्रतिहारा डायनेस्टी का। कुछ फैक्ट्स, अब जैसे कि वत्सराज कौन है, दंडी दुर्ग कौन है और नागभट्ट कौन है, इनसे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें देख लेते। देखो वत्सराज जो है ये एक पावरफुल रूलर थे, इन्होंने एस्टैब्लिश किया था एम्पायर नॉर्थ इंडिया में। ही डिफीटेड द फेमस बंदी डायनेस्टी, ठीक है, मतलब प्रतिहाराज की डायनेस्टी जो है वो इन्होंने एस्टैब्लिश की थी एंड ऑल्सो डिफीटेड धर्मपाला। फाउंडर थे प्रतिहाराज के वत्सराज। ओके, देन वत्सराज ने डिफीट किया था धर्मपाला को जो कि बंगाल के रूलर थे। वत्सराज को उनके सन नागभट्ट टू ने सक्सीड किया था और नागभट्ट टू जो है ये डिफीट किए गए थे राष्ट्रकुटा किंग थे जिनका नाम है गोविंद थ्री।
तो ये याद रखना है कि नागाबट्टा 2 को किसने डिफीट किया, किसने हराया, तो गोविंद 3 ने, जो कि राष्ट्रकुटा रूलर थे, उन्होंने नागाबट्टा को डिफीट किया था। अब हम बात करें मिहिर भोज की, तो मिहिर भोज जो है ये सन है रामभद्र के। नागाबट्टा 2 का जो बेटा है वो है रामभद्र, और रामभद्र के सन थे मिहिर भोज, यानी कि नागाबट्टा के ये क्या हुए, ग्रैंड सन हुए। नागाबट्टा 2 वो सक्सीडेड बाय हिज सन रामभद्र, मिहिर भोज द सन ऑफ रामभद्र। द पावर ऑफ प्रतिहार हैज बिकम ग्लोरियस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मिहिर भोजा, और मिहिर भोजा ने जो है रिस्टैब्लिश की थी इस प्रतिहारा डायनेस्टी को बुंदेलखंड में, और प्रतिहारा जो थे जोधपुर के उनको भी सप्रेस किया था। दंतीवर्मन की बात करें या दंती दुर्ग की, तो इनका रेग्न है 375 to 756, और ये फाउंडर थे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के। तो क्वेश्चन सीधा आता है कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो दंती दुर्ग जो है ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर है, और दंती दुर्ग ने ऑक्यूपाइड की थी ऑल टेरिटरीज बिटवीन द गोदावरी एंड भीमा, यानी कि भीमा बोल सकते हैं हम। ही इज सेड टू हैव कॉन्कर्ड कलिंगा, कोसला, कांची, श्रीशील, मलवा, लाता एक्सेट्रा, एंड ऑक्यूपाइड महाराष्ट्र बाय डिफीटिंग चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन। महाराष्ट्र ऑक्यूपाइड किया था दंती वर्मन ने, क्वेश्चन आ सकता है कि महाराष्ट्र ऑक्यूपाइड किया था दंती वर्मन ने किस किंग को डिफीट करके, चालुक्य किंग थे कीर्तिवर्मन जिनका नाम था, उनको हरा के दंती दुर्ग ने महाराष्ट्र ऑक्यूपाइड किया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन जो कि रिपीटेडली हर एक एग्जाम में आता ही है। सो श्री गुप्त जो है ये गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर है, देख सकते हैं ऑप्शन इतने कंफ्यूज कंफ्यूज कर देंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होनी ही है क्योंकि सारे गुप्ता के नाम दिए हैं, लेकिन श्री गुप्त जो है ये फाउंडर है गुप्ता डायनेस्टी के, गुप्ता एम्पायर के। पहला तो फाउंडर है श्री गुप्त, और लास्ट किंग भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि लास्ट किंग कौन है गुप्ता एम्पायर के, तो द आंसर विल बी शशांक गुप्त। शशांक गुप्ता वॉज दी लास्ट किंग ऑफ दी गुप्ता एम्पायर। यस द करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। और ये जो श्री गुप्त है इनको एडिक्ट्स में, मतलब जो भी उसमें महाराजा कह के दर्शाया गया है। जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो चाइनीज ट्रैवलर थे युनसांग, वो श्री गुप्त की राइटिंग्स, मतलब चाइनीज ट्रैवलर युनसांग की राइटिंग्स में श्री गुप्त का मेंशन देखने को मिलता है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देन लेट्स टॉक अबाउट सम मोर इन्फॉर्मेशन। महाराजा धीराज भी कहा गया इन्हें चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त को महाराजा धीराज गुप्ता किंग में से किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त वन को कहा जाता है महाराजा धीराज, ओके, जो कि वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी के, पहले रूलर थे। हाँ, एस्टैब्लिश श्री गुप्ता ने जरूर किया था, लेकिन रूलर जो है गुप्ता डायनेस्टी के पहले वो चंद्रगुप्त वन थे। एंड ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, जिसका मतलब होता है किंग्स ऑफ किंग्स, राजाओं के राजा। अब हम बात करेंगे विक्रमादित्य, जिनको हम चंद्रगुप्त 2 के भी नाम से जानते हैं, अल्सो कॉल्ड विक्रमादित्य पावरफुल एम्परर, जो कि नॉर्थ इंडिया के थे। विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त 2 का रेग्न है, कार्यकाल इनका 380 to 415 कॉमन ईरा, और चंद्रगुप्त 2 जो है ये सक्सीड किए गए थे उनके एल्डेस्ट सन जिनका नाम था रामगुप्ता से। ही वॉज द रियल महाराजा धीराज। समुद्रगुप्त वॉज द किंग ऑफ किंग्स, ये मैंने अभी बताया, और ये समुद्रगुप्त जो है ये आर्ट के ग्रेट पैटर्न थे। समुद्रगुप्त के बारे में हम बात करें, ओके, अभी समुद्रगुप्त ने स्टार्ट किए थे कॉइन्स। अभी समुद्रगुप्त की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लो। समुद्रगुप्त ऐसे पहले राजा है जिन्होंने डिफरेंट टाइप्स के, लगभग उन्होंने 7 डिफरेंट टाइप्स के कॉइन्स जो है वो मिंट करवाए थे समुद्रगुप्त ने, इट शुड बी रिमेम्बर, जिसके अंदर आते हैं स्टैंडर्ड टाइप, आर्चर टाइप, बैटल एक्स टाइप, जिसमें से बहुत ही फेमस है एक किंग क्वीन टाइप का जो है ना, इस पर सीधा सीधा क्वेश्चन आ चुका है। अश्वमेधा टाइप, टाइगर स्लेयर टाइप, किंग एंड क्वीन टाइप के जो कॉइंस मिंट कराए गए थे वो समुद्रगुप्त ने कराया था। और एक बार समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। एंड लिरिक्स टाइप पे क्वेश्चन आ सकता है,
The Gupta king had the monetary system fairly stored in his kingdom and his entire body was covered with war wounds. ये एक बहुत important fact है समुद्रगुप्त के बारे में, उनके पूरे शरीर पे इतने वार उन्होंने किए थे कि शरीर पूरा तरीके से कवर्ड था वार वाउंड से. He produced the largest military army of this time. समुद्रगुप्त जो है 335 टू 375 ये थे. तो लगाने के लिए आ जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इट शुड बी रिमेम्बर. समुद्रगुप्त के बाद आते हैं विक्रमादित्य. ओके, अवधि गुप्त डायनेस्टी, उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जैसे मैंने अभी कहा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौटिल्य's अर्थशास्त्र मेनली डील्स विद. कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये किस चीज से डील करता है. ओके, पहली बात तो जो अर्थशास्त्र है ये एक इंडियन ट्रीटीज है ऑन स्टेटक्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी, जो कि कौटिल्य ने लिखा है. कौटिल्य को हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं और कौटिल्य के बारे में और बातें जानेंगे आगे. पहले देख लेते करेक्ट आंसर है ए. सो द करेक्ट आंसर इज ए, पॉलिटिकल एंड स्टेट क्राफ्ट और मिलिट्री. वैसे तो मिलिट्री स्ट्रेटजी के लिए इस बुक को यूज किया जाता है, लेकिन पॉलिटिकली इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन को टिक करेंगे. सॉरी, चाणक्य वॉज एन एंशियंट इंडियन टीचर. पहली बात फिलोसोफर भी थे, इकोनॉमिक्स थे. ट्रेडिशनली चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहते हैं, जो कि ऑथर है अर्थशास्त्र के, जो कि 4th सेंचुरी में लिखी गई थी एंड 3rd सेंचुरी कॉमन ईरा में. और कौटिल्य किसके कोर्ट में थे, विष्णुगुप्त, जिसे कह सकते हैं हम कौटिल्य को, जिन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के भी नाम से जाना जाता है. तो ये थे, देखो कन्फ्यूज नहीं होना है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य एक ही पर्सन है. ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में थे. और अब बात करेंगे कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइड पे, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. वन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइड्स इज इन पाकिस्तान. इसमें से कौन सी एक बतानी है हमें इंडस वैली की साइड जो पाकिस्तान में है. देखिए हमें पता है कि कालीबंगन राजस्थान में है, आलमगीरपुर ये यूपी में है, हरप्पा अभी देख लेंगे आगे, लोथल की बात करें तो लोथल ये गुजरात में है. ठीक है, तो ऐसी कौन सी साइट है जो पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं है. तो आंसर इज डी, मैंने कहा ना आंसर इज डी, हरप्पा. जैसे कि लोथल हमें पता था गुजरात में है, कालीबंगन हमें पता है राजस्थान में, आलमगीरपुर यूपी में है. तो उसने पूछा था पाकिस्तान में कौन सी है, तो करेक्ट आंसर इज डी. लोथल की बात करें तो लोथल वॉज स्मॉल हरप्पन सिटी एंड इंडस्ट्रियल सेंटर था एक, जो कि अभी फिलहाल प्रेजेंट है गुजरात में है. और इम्पोर्टेंट चीज ये पूछ ली जाती है कि लोथल जो है ये किसने डिस्कवर किया, तो याद रखना है लोथल डिस्कवर किया था 1950 में बाय एस आर राव. ओके, बाय एस आर राव. लोथल का मतलब होता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है, लोथल, लोथ और थल. ठीक है, जिसका मतलब होता है द माउंट ऑफ डेड, द माउंट ऑफ डेड लोथल का मतलब होता है. और सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन किसे कहा जाता है, किसे किसे मैनचेस्टर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है. तो आंसर विल बी लोथल. लोथल को मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपांशन ऑफ कॉटन ट्रेड. कालीबंगन राजस्थान में है, आलमगीरपुर एक आर्कियोलॉजिकल साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, यमुना रिवर के पास उत्तर प्रदेश में. ओके, उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में. हरप्पा की बात करें तो दी रेलिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड एक्सकवेटेड इन 1921 बाय दयाराम साहनी. दयाराम साहनी जी ने जो है ये हरप्पा को डिस्कवर किया था. ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और ईयर भी पूछा जाता है कि किस ईयर में एक्सकावेट किया गया हरप्पा को. तो ये 1921 में किया गया डिस्कवर, एक्सकावेट आई मीन. तो ये हम पाकिस्तान में है. और द साइट हैज टू लार्ज एंड इम्पोजिंग ह्यूज माउंट्स लोकेटेड सम 25 किलोमीटर साउथ वेस्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मोंटगमेरी पंजाब पाकिस्तान ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर रावी. ओके,
इतना याद रखना है, रिवर रावी इससे रिलेट करती है हरप्पा से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द ऑथर ऑफ तेलुगु वर्क अमुक्त मल्यदा। क्वेश्चन बहुत बार आता है इस पे कि कौन है ऑथर अमुक्त मल्यदा के, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जो है ये ऑथर है अमुक्त मल्यदा के। चलिए कृष्णदेवराय के बारे में कुछ बातें हम लोग जानेंगे। पहली बात तो कृष्णदेवराय का जो वेतन है ये रहा है 1509 से 1530, है ना, 1530 तक, ठीक है, 1530 तक था। और ये जो है ग्रेटेस्ट एम्परर है ये विजयनगर एम्पायर के। कृष्णदेवराय विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, 29 कह लीजिए या 30 कह लीजिए। और ये थर्ड रूलर है तुलुफ डायनेस्टी के, विजयनगर एम्पायर की जो तुलुफ डायनेस्टी थी उसके ये तीसरे रूलर है। और जो लॉर्ड मतलब तेलुगु लिटरेचर इनसे रिलेट करता है, और ये जो लिटरेचर है अमुक्त मल्यदा बेसिकली डेडिकेट किया गया है लॉर्ड वेंकटेश्वर को, ये चीज एक याद रखनी है। और इसके बारे में और क्या फैक्ट्स हो सकते हैं, बस इतना ही है। हरिहर वन की बात करेंगे। हरिहर वन ऑल्सो कॉल्ड एज हक्का एंड वीर हरिहर वन, जो कि फाउंडर थे विजयनगर एम्पायर के, याद रखना है विजयनगर एम्पायर के फाउंडर कौन है। विजयनगर एम्पायर के फाउंडर है हरिहर वन। विजयनगर एम्पायर 14th सेंचुरी में फाउंड किया गया था, 1336 से 1356 तक ये थे। और ये जो बुक्का और हरिहर की यहाँ पे बात हो रही है ये ब्रदर्स है, इट शुड बी रिमेम्बर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंपोज द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। किसने अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कंपोज किए। देखो बेसिकली इसको अलाहाबाद प्रशस्ति के भी नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिग्राफिक एविडेंसेस है इंपीरियल गुप्तास का इसमें। और इट वॉज कंपोज बाय हरी सेना, पहली बात तो द करेक्ट आंसर विल बी हरी सेना द कोर्ट पोएट। अब हरी सेना ये किसके कोर्ट में थे, हरी सेना जो है ये कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के, इट शुड बी रिमेम्बर। और ये जो अलाहाबाद की पिलर इंस्क्रिप्शन है इट डिलिनेट्स अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेगन एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त। हरी सेना को हम हरी सेना या हरी सेना ऐसा भी नाम से जानते हैं। 4th सेंचुरी के संस्कृत पोएट थे और ये इंपॉर्टेंट फिगर थे इन द कोर्ट ऑफ गुप्ता एम्परर जिनका नाम था समुद्रगुप्त। वीर सेना के बारे में फैक्ट की बात करें तो वीर सेना सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि जो मंडसौर इंस्क्रिप्शन है, मंडसौर इंस्क्रिप्शन जो है उसके ऑथर कौन है। तो मंडसौर इंस्क्रिप्शन के ऑथर है वीर सेना, इट शुड बी रिमेम्बर्ड। अब हम विष्णु सेना या विष्णु सेन के बारे में कुछ इतना इंपॉर्टेंट मुझे अभी फैक्ट को याद आ नहीं रहा है बेसिकली। सो लेट्स टॉक अबाउट हु बिल्ड द फेमस शिव टेम्पल एट अलोरा। अलोरा पे का जो फेमस शिव टेम्पल है वो किसने बनाया। राष्ट्रकूट रूलर कृष्ण वन, बी ऑप्शन इज मौर्य एम्परर अशोका, गुप्ता किंग है समुद्रगुप्त उन्होंने, या फिर चालुक्य किंग पुलकेशी टू ने। किसने बनाया है फेमस जो टेम्पल है अलोरा का। पहली बात तो यह है कि अलोरा महाराष्ट्र में है। अब कुछ कुछ लोगों को यही नहीं पता होगा कैलाश टेम्पल इज एट महाराष्ट्र, अलोरा ये महाराष्ट्र में है एंड वॉज बिल्ड बाय दी, और ये बनाया गया था राष्ट्रकूट किंग थे जिनका नाम है कृष्ण वन। और कन्नड़ इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये दिस इज वन ऑफ द 34th टेम्पल्स ऑफ मोनेस्ट्रीज नोन एज कलेक्टिवली एज अलोरा केव्स। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये मेगालिथिक कार्ड है, मतलब मेगालिथिक कार्ड मतलब एक पूरे अखंड से पत्थर को कोर के बनाया जाने वाला, उसे कहते हैं मेगालिथिक कार्ड। तो ये शिव टेम्पल पूरे अखंड एक पत्थर से बनाया गया है, इट शुड बी रिमेम्बर। सो द करेक्ट आंसर इज ए, ये राष्ट्रकूट किंग राष्ट्रकूट रूलर जिनका नाम है कृष्ण वन उन्होंने बनाया था। अब हम बात करेंगे विच ऑफ द कुशान रूलर पेट्रोनाइज बुद्धिज्म। कौन से कुशान रूलर है जिन्होंने बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज किया था। सो द करेक्ट आंसर इज कनिष्क।
कैसे देखो कनिष्क के टाइम पे हुई थी बुद्धिस्ट काउंसिल एक, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो चंद्रगुप्त मौर्य का रेगन 324 to 297 बिफोर क्रिस्ट। उसके बाद आते हैं बिंदुसार 290, ये याद होना चाहिए ना कि चंद्रगुप्त को किसने सक्सीड किया था। चंद्रगुप्त के सन थे बिंदुसारा, उन्होंने 97 से 272 BC, और उसके बाद अशोक ने 268 to 332। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सी कनिष्क। कनिष्क ने पैट्रोनाइज किया था बुद्धिज्म को। अब कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे। कनिष्क वन और कनिष्क द ग्रेट ये एम्परर थे, कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और ये सेकेंड सेंचुरी में थे। ये एक बात इंपॉर्टेंट है, ये कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं कनिष्क। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक बात याद आई मुझे, जिसे मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। मेगास्थेनिस जो थे ग्रीक एम्बेसडर थे, सेल्यूसिस निकेटर ने इन्हें भेजा था, ये तो पता ही होगा। ये चंद्रगुप्त के कोर्ट में आए थे। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कनिष्क से रिलेटेड, जैसे कि देखो पहला तो ये है कि इट वॉज ड्यूरिंग कनिष्कस रेगन दैट द बुद्धिस्ट डिवाइडेड इनटू महायान एंड हीनयान। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि किस रूलर के टाइम पे जो बुद्धिस्ट जो है वो दो सेक्ट में डिवाइड हो गए थे। तो द आंसर विल बी बुद्धिस्ट दो सेक्ट में डिवाइड हो गए थे, महायान के टाइम पे और हीनयान के टाइम पे। और कनिष्क जो है ये सका ईरा के फाउंडर है। सका ईरा यानी कि 78 AD, ये पूछ लिया जाता है। ऑप्शन ऐसे होते हैं 58, 52, तो इट शुड बी रिमेम्बर। एंड ही जो कनिष्क थे उन्होंने पाटलिपुत्र को इन्वेट किया था एंड टेकन द बुद्धिस्ट मॉन्क अश्वघोषा टू पुरुषपरा। और चारक एंड जो सुश्रुता है, चरक एंड सुश्रुता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चरक एंड सुश्रुता ये कनिष्क से बिलोंग करते हैं, कनिष्क के रिकॉर्ड से बिलोंग करते हैं। कनिष्क वाज अ पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म एंड ही इज कॉल्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन द कुंडवलम। कनिष्क के टाइम पे याद रखना है कौन से नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, फोर्थ नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। फर्स्ट सेकेंड थर्ड कहाँ पे हुई थी ये आप रीड कीजिएगा एज अ होमवर्क। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये कुंडवलम में हुई थी, कश्मीर में, 78 AD में कनिष्क ने किया था। द काउंसिल वॉज चेयर्ड बाय वसुमित्रा, ये पूछ लिया जाता है कि काउंसिल जो है वो किसने चेयर की थी। तो वसुमित्रा जो थे चेयरमैन थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के, जो कि कनिष्क ने की थी। एंड ड्यूरिंग हिज काउंसिल कनिष्क के रेगन के टाइम पे कलेक्शन जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट का वो हमको देखने को मिलता है। एंड कमेंटरीज जो है वो कॉपर शीट्स पे इंग्रेव्ड की गई थी, ये भी यहीं पे से देखने मिलता है। द स्कॉलर हु रिसाइडेड इन कनिष्कास कोर्ट वेयर वसुमित्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द स्कॉलर हु रिसाइडेड इन कनिष्कास कोर्ट वेयर वसुमित्रा अश्वघोषा नागार्जुन चरक एंड पार्श्व, ये हमें याद रखना है कि वसुमित्रा अश्वघोषा नागार्जुन चरक एंड पार्श्व ये कनिष्क की कोर्ट से बिलोंग करते थे। कनिष्क हैड फाउट अगेंस्ट किंग हैन होती हु वॉज द किंग ऑफ हैन डायनेस्टी ऑफ चाइना। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है कि जो हैन डायनेस्टी है चाइना की जिसके राजा थे हैन होती, उनसे किसने फाउट किया था। तो आंसर विल बी कनिष्क। कनिष्क डिफीटेड द चाइनीज किंग इन द सेकेंड अटेम्प्ट। सेकेंड अटेम्प्ट में कनिष्क ने जो है चाइनीज किंग को डिफीट किया, हराया था अशोका के। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो रहा है। देखो अशोका के जितने भी रॉक एडिक्ट्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब कम से कम अशोका के रॉक एडिक्ट्स पे से हम अंदाजा नहीं लगा सकते, अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के कितने सारे क्वेश्चंस एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। तो हम लोग अभी उसको देखेंगे। मैं यहाँ पे पूरा अशोका के जितने भी रॉक एडिक्ट्स है उनके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। पहली बात तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। ये पहला पॉइंट जो मैं आपके सामने रीड करने जा रही हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। जेम्स प्रिंसेप, देखो जेम्स प्रिंसेप एक ब्रिटिश एंटिक्वरी थे एंड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे, और ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने अशोका के एडिक्ट्स को डेसिफर किया। तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन विल बी लाइक कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिसिफर अशोकास एडिक्ट्स। तो द आंसर विल बी जेम्स प्रिंसेप। These Ashoka's inscriptions are the first tangible evidence of Buddhism. जो James Prinsep ने किए थे decipher, वो
पहले टेंजिबल एविडेंस थे बुद्धिज्म के, बुद्धिज्म के टेंजिबल एविडेंस थे जो जेम्स प्रिंसिप ने डिसिफर किए थे, वो वाले रॉक, सॉरी वो वाले अशोका के रॉक डिक्स। देखो अशोका के जो है 33 इंस्क्रिप्शन है टोटल, और उनको 5 टाइप्स में बांटा गया है। ये आपको आपके मेन्स आंसर राइटिंग में भी हेल्पफुल हो जाएगा। मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट, सेपरेट रॉक एडिक्ट, और फिर मेजर पिलर रॉक एडिक्ट और माइनर पिलर रॉक एडिक्ट। पहला तो ये पिलर एडिक्ट है, नॉट रॉक एडिक्ट, पिलर एडिक्ट, सॉरी। मेजर रॉक एडिक्ट को 3 टाइप में है बांटा, मेजर, माइनर और सेपरेट। ओके, फिर पिलर एडिक्ट को बांटा 2 टाइप्स में, मेजर एंड माइनर। तो देख लेते हैं, मेजर रॉक एडिक्ट की बात हम कर रहे हैं। मेजर रॉक एडिक्ट 1 जो है ये किसके बारे में बात करता है? सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि अशोका का जो मेजर रॉक एडिक्ट 1 है वो किसके बारे में बात करता है, या फिर कौन सी डिटेल्स हमें वो बताता है? तो वो बताता है हमें प्रोहिबिटेशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन। मेजर रॉक एडिक्ट 2 मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, प्लांटिंग फ्रूट्स, मेडिकल हर्ब्स एंड डिगिंग ऑफ वेल्स, जो कि अशोका ने ये सारे काम किए गए थे, तो अशोका के बारे में इसमें बात किया जाता है। और सीधा सीधा ये क्वेश्चन था कि पंड्यास, सत्यपुराज और केरलापुत्रास के बारे में, जो साउथ इंडिया के ये लोग थे पंड्यास एंड केरलापुत्रास एंड सत्यपुराज, इनका मेंशन हमें अशोका के किन इजिप्ट में इडिक्ट्स में देखने को मिलता है? तो करेक्ट आंसर इज मेजर रॉक इडिक्ट 2। आप सोचोगे नहीं, ये रॉक इडिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉक एडिक्ट 3 ये बताता है हमें जेनरोसिटी टू ब्राह्मिन्स, अशोका के जेनरोसिटी टू ब्राह्मिन्स, टुवर्ड्स ब्राह्मिन्स, अबाउट युक्तास, प्रदक्षिकास, राजुकास, हु वुड गो एवरी 5 इयर्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर टू स्प्रेड धम्म। देन अशोका के रॉक एडिक्ट 4 जो है साउंड ऑफ धम्मा और राइटियसनेस के बारे में बात करते हैं। धम्म घोषा ओवर भेरी घोषा, साउंड ऑफ वार की, साउंड ऑफ राइटियसनेस की क्या इंपॉर्टेंस है और साउंड ऑफ वार की क्या है, और ये बताता है। दी किंग अशोका अटैच ग्रेटेस्ट वैल्यू टू हिज ड्यूटी। इस जो रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट जो 4 है ना, इससे हमें पता चलता है कि अशोका कितनी ग्रेट वैल्यूज जो है वो अपनी ड्यूटीज से, अपने कर्तव्यों से रखता था, कर्तव्यों के प्रति। उसके बाद मेजर रॉक एडिक्ट 5 हमें बताता है अबाउट धम्मा महामत्रास टॉक्स अबाउट रीडिंग स्लेव राइट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल की जिंदगी में हमारे, याद रखना कभी भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। इट टॉक्स अबाउट रीडिंग स्लेव राइट, अ स्पेशल कैडरे ऑफ ऑफिशियल्स धम्मा घोषा वे आर अपॉइंटेड एंड इंटरेस्टेड विद हिज ड्यूटीज ऑफ स्प्रेडिंग धम्मा विद इन द किंगडम। ये धर्म घोषा को अपॉइंट किया गया था अशोका ने, उससे रिलेटेड बात करता है मेजर रॉक एडिक्ट 5। मेजर रॉक एडिक्ट 6 हमसे बात करता है अशोका के डिजायर के बारे में, टू नो अबाउट हिज पीपल्स कंडीशन, कि वो अच्छे है, ठीक है, किस हाल में, उनका दुख सुख के बारे में। अबाउट वेलफेयर मेजर्स, अशोका के वेलफेयर मेजर्स। उसके बाद मेजर रॉक एडिक्ट 7th की बात करें तो ये बात करता है टॉलरेंस टूवर्ड रिलीजियंस। ये रॉक एडिक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अशोका का एक बहुत ही फेमस, इससे एक क्या हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट श्लोक एक क्वाइट है इससे। अशोका का कहना है कि जो दूसरों के धर्म की मतलब इंसल्ट करता है तो वो इनडायरेक्टली अपने ही धर्म को वो बेइज्जत कर रहा है, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, इट मींस दूसरों के रिलीजियस की, ऐसा करके वो अपने आप को ही हार्म करता है या अपने ही रिलीजन को नीचा दिखाता है, ऐसा उस एडिक्ट से पता चलता है। तो टॉलरेंस टुवर्ड रिलीजियंस अमंग ऑल सेक्ट्स एंड वेलफेयर मेजर्स ऑफ द पब्लिक इन हिज वेल एंड हिज नेबरिंग किंगडम्स। अब हम बात करेंगे अशोका रॉक एडिक्ट 8 की। अशोका फर्स्ट विजिट टू बोध गया, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही रॉक एडिक्ट्स इंपॉर्टेंट है जितने भी मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, कम से कम ये इस पे से 20 से 30 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, उससे भी ज्यादा, घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। अशोका फर्स्ट विजिट टू बोध गया ये किस रॉक एडिक्ट से पता चलता है? ये रॉक एडिक्ट 8 की, मेजर रॉक एडिक्ट 8 की 8 से पता चलता है। तो अशोका फर्स्ट विजिट टू बोध गया एंड बोधि ट्री,
हिज फर्स्ट धम्म यात्रा गेव इम्पोर्टेंस टू बौद्ध धम्म टूर्स, इसके बारे में पता चलता है। मेजर रॉक एडिक्ट 9 की बात करें तो इट कंडेम्स पॉपुलर सेरेमनीज, स्ट्रेसेस ऑन मॉरल कंडक्ट के बारे में बात करता है। मेजर रॉक एडिक्ट 10 बात करता है डिसअप्रूव्स ऑफ इंडिविजुअल डिजायर ऑफ फेम एंड ग्लोरी एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेसेस ऑन धर्म। नाउ मेजर रॉक एडिक्ट 11 बात करता है हमसे कि धम्मा इज बेस्ट पॉलिसी टू फॉलो, ऐसा अशोका का कहना है, विच इंक्लूड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड कंसर्न फॉर स्लेव्स एंड सर्वेंट्स। देन मेजर रॉक एडिक्ट 12 ये मेंशन करता है महामत्तास के बारे में, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इट याद रखना मेजर रॉक एडिक्ट 12 जो है वो मेंशन करता है महामत्तास के बारे में। महामत्तास इंचार्ज ऑफ वुमेन्स वेलफेयर होती है जो इथिजिका महामत्ता एंड टॉलरेंस टुवर्ड द धम्म ऑफ अदर्स, ठीक है। मेजर रॉक एडिक्ट 13 की बात करें तो इट मेंशंस विक्ट्री ओवर कलिंगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला रॉक एडिक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है मेजर रॉक एडिक्ट 3, क्योंकि ये अशोका के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि ये जो रॉक एडिक्ट है मेंशंस विक्ट्री ओवर कलिंगा, अशोका की कलिंगा पर जीत के बारे में बताता है। मेंशन करता है अशोका धम्मा विक्ट्री ओवर ग्रीक किंग्स एंटियोकस ऑफ सीरिया, एंटियोका भी जिन्हें कहते हैं, टॉलमी ऑफ इजिप्ट एंड मगाज ऑफ क्रेन, एंटीगोनस एंड मेसिडोनी एंड मेसिडोन, अलेक्जेंडर ऑफ इपीरस, ऑल्सो मेंशन पांड्याज चोलाज एक्सेट्रा। द 13 रॉक एडिक्ट विच वॉज इश्यूड एट द एंड ऑफ द कलिंगा, कलिंगा के मतलब जब कलिंगा के डेथ से पहले वाला रॉक एडिक्ट ये है, वार ऑफ द कलिंगा वार, कलिंगा के वार के टाइम का ये रॉक एडिक्ट है। द 13 रॉक एडिक्ट विच वॉज इश्यूड एट द एंड ऑफ द कलिंगा वार गिव्स अ विविड पिक्चर ऑफ द चेंज ऑफ अशोका फ्रॉम एग्रेसिव एंड वायलेंट वॉरियर, ये बहुत वायलेंट थे अशोका, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक इंस्क्रिप्शन हो जाता है, इसको याद रखने की बहुत ज़रूरत है मेजर रॉक एडिक्ट 13 को, टू अ ग्रेट लवर एंड प्रीचर ऑफ पीस, कि कैसे इतना महान और ग्रेट जो एक किंग है कि कैसे चेंज हो सकता है एकदम से एक पीस लवर में, इट्स सच अ ग्रेट थिंग। द डायरेक्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द कलिंगा वार वॉज द कन्वर्जन ऑफ अशोका टू बुद्धिज्म, ठीक है। अशोका पूछा जाता है कि अशोका किस में कन्वर्ट हुए थे, बुद्धिज्म या जैनिज्म वगैरह, तो बुद्धिज्म में अशोका, वैसे इतना बच्चों वाला क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता आज के जमाने में आएगा। एनीवेज सो ये हो गया। अब मेजर रॉक एडिक्ट 14 की बात करें तो पर्पोज ऑफ रॉक एडिक्ट्स, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट्स है, रॉक एडिक्ट्स नहीं है ये, एक्चुअली ये पिलर एडिक्ट्स है, पिलर एडिक्ट्स। तो पहला पिलर एडिक्ट बात करता है अशोका प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज पीपल। देन रॉक पिलर एडिक्ट 2 डिफाइंस धम्मा एज मिनिमम ऑफ साइंस, मेनी वर्च्यूज, कंपैशन, लिबर्टी, ट्रूथफुलनेस एंड प्यूरिटी। पिलर एडिक्ट 3 की बात करें तो अवॉइडिंग प्रैक्टिसेस ऑफ क्रुएलिटी सीन, हार्शनेस, प्राइड एंड एंगर अमंग हिज सब्जेक्ट्स। पिलर एडिक्ट 4 जो है ये बात करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ राजूकाज, कि राजूकाज की क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी अशोका के टाइम पे। पिलर एडिक्ट 5 बात करता है लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट शुड नॉट बी किल्ड ऑन सर्टन डेज, अनादर लिस्ट मेंशंस एनिमल दैट शुड नेवर बी किल्ड, डिस्क्राइब रिलीज ऑफ 15 प्रिजनर्स जो कि अशोका ने उन्हें माफ किया था। दिस पिलर एडिक्ट इज ऑल्सो नोन एज दिल्ली तोपरा पिलर एडिक्ट। तो क्वेश्चन ऐसे सीधा सीधा आ सकता है कि दिल्ली तोपरा पिलर एडिक्ट ये किसे कहा जाता है, तो दिल्ली तोपरा जो पिलर एडिक्ट है वो पिलर एडिक्ट 5 को कहा जाता है। इसके बाद पिलर एडिक्ट 6 जो है ये धम्मा पॉलिसी ऑफ स्टेट यानी कि वेलफेयर ऑफ पीपल के बारे में अशोका के बात करता है। पिलर एडिक्ट 7 जो है ये अशोका के काम के बारे में बात करता है फॉर फुलफिलिंग धम्मा टॉलरेंस ऑफ ऑल सेक्स, ऑल्सो अबाउट धम्मा महात्माज, धम्मा महामत्ताज, ओके। देन ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देखिए इंस्क्रिप्शंस की बात करेंगे या हम कह लीजिए एडिक्ट, इलाहाबाद की इंस्क्रिप्शन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंस। पहले तो ये कोसम जिसे क्वींस एडिक्ट भी कहा जाता है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन को,
अशोका का जो अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है उसे किस किस नाम से बुलाया जाता है? तो देखो, कोसम इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, इसे क्वींस एडिक्ट भी कहा जाता है, इसे कोसम भी और स्किज्म एडिक्ट भी कहा जाता है। तो इसके इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, अशोका आस्क्ड द मेंबर्स ऑफ द संघा टू रिफ्रेन फ्रॉम कॉजिंग डिविजन इन द रैंक्स। समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन इज ऑन दिस एडिक्ट इटसेल्फ। समुद्रगुप्त का एडिक्ट भी अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में हमको देखने मिलता है। और जहांगीर जो है, जहांगीर शिफ्टेड इट टू द फोर्ट एट अलाहाबाद। अलाहाबाद के किले में जहांगीर ने इसे शिफ्ट किया, इस एडिक्ट को। खंडर इंस्क्रिप्शन, अशोका के खंडर इंस्क्रिप्शन हमें बताते हैं। पहला तो ये एक फेमस बायलिंगुअल एडिक्ट है, और कौन सी भाषा में है, ग्रीक और अरामिक। अरामिक दो भाषा में है, बायलिंगुअल यानी कि दो भाषा, द्विभाषीय, दो भाषाओं में। कलिंगा के एडिक्ट जो है भावली और जौगादा, ये मेंशन करते हैं ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन। अशोका किस एडिक्ट में कहता है कि ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन, वो कहता है अशोका कलिंगा एडिक्ट्स में। सनती इंस्क्रिप्शन जो कि कर्नाटका में है, सनती इंस्क्रिप्शन बात करते हैं, ये है पहली बात तो साइट ऑफ 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स एज वेल एज टू सेपरेट कलिंगा एडिक्ट्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ऐसे टोटल 16। रुमिनिद इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज बिकॉज इट इज इन नेपाल। नाउ इट मेंशंस दैट द विलेज ऑफ लुम्बिनी जो कि बर्थ प्लेस है द ग्रेट गौतम बुद्ध का, बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बाली मतलब टैक्स एंड वॉज टू पे ओनली 1/8 ऑफ द भागा। ओके, अब हम बात करेंगे गिरनर रॉक इंस्क्रिप्शन की और रुद्रदमन के, इसे क्योंकि ये रुद्रदमन ने करवाया था। गिरनर रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन काठियावार में, ये है गुजरात में। मेंशन द सुदर्शन लेक कंस्ट्रक्टेड बाय पुष्यगुप्ता। देखो ये याद रखना है कि जो सुदर्शन लेक है, ये पहले तो इसकी लोकेशन, ये होमवर्क है आपका, लोकेशन क्या है सुदर्शन लेक की, ये जो है सुदर्शन लेक कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय पुष्यगुप्ता जो कि एक राष्ट्रीय मीन्स प्रोविंशियल गवर्नर थे सौराष्ट्र के ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्यास रेगन। ठीक है, माइनर रॉक एडिक्ट 1 की हम अब बात करेंगे, मेजर हमने देख ली है टोटल 13-14। उसके बाद माइनर रॉक एडिक्ट 1 में, माइनर रॉक एडिक्ट 1 इंडिकेट्स दैट अशोका टर्न टुवर्ड्स बुद्धिज्म ग्रेजुअली और 2.5 इयर्स इन पावर, मतलब 2.5 साल पावर में रहने के बाद वो अचानक ऐसे टर्न हो गए थे बुद्धिज्म की तरफ, उसके बारे में ये बात करता है मेजर रॉक एडिक्ट, सॉरी माइनर, इट्स माइनर रॉक एडिक्ट 1। देन माइनर रॉक एडिक्ट 3 जो है ये बात करता है अशोका ग्रीक संघ प्रोफेसेस हिज डीप फेथ इन बुद्धा धम्मा एंड संघा एंड आल्सो रेकमेंड 6 बुद्धिस्ट टेक्स्ट फॉर मॉन्क्स नन्स एंड जनरल लेडी। नाउ इंस्क्रिप्शन एट शहबाजगरी एंड मनसेहरा, इंस्क्रिप्शन जो है शहबाजगरी के और मनसेहरा के, वो खरोष्ठी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इंस्क्रिप्शंस जो है शाहबाजगिरी के और मानसेहरा के, ये किस स्क्रिप्ट में है, तो आंसर विल बी खरोष्ठी स्क्रिप्ट। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, और आने वाले जो भी हमारे वीडियोस हैं उसमें हम लोग डायरेक्ट सीधे सीधे है ना एक एक डायनास्टी पे फोकस करके सारे जितने भी टॉपिक्स होंगे ना, मोर देन कम से कम 5-6 हज़ार से भी ज़्यादा एमसीक्यूज करवा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, अच्छे से करेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें मैं देखती हूँ कि क्या कुछ ऐड किया जा सकता है या फिर डायरेक्ट ही बताना है उनके बारे में, तो लेट्स सी देन। और इसलिए ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन उसमें कवर करी हूँ क्योंकि रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं, ऐसे तो कवर तो कितने भी चाहे तो करा सकते हैं, लेकिन एक उस चीज़ के पर्टिकुलर बारे में डिटेल में पता करना और पढ़ना, किस तरीके से पढ़ना चाहिए एमसीक्यू, उसका सही तरीका यही है पढ़ने का कि जो एक एक ऑप्शन में दिया होता है उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ों को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करो और मेमोराइज करो, तो ऐसे से फिर हिस्ट्री जो है रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स यू कैन क्लिक द बेल आइकन व्हिच इज गिवन बिलो द वीडियो। And thanks for watching. Keep smiling, friends.